हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 11th, माई सेल्फ राजमणि मिश्रा। टूडेज वी डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। इन दिस वीडियो वी डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, दैट इज टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी। पॉइंट फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स यू नो ऑलरेडी, ए एडिशन रिएक्शन इन क्लास 10th। एडिशन रिएक्शन दैट इज सिंगल प्रोडक्ट, सेम वही कंडीशन यहाँ भी होता है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू रिएक्टेंट रिएक्ट फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल दें कॉम्बिनेशन का, C+O2 = CO2, तो C+O2 टू रिएक्टेंट कंबाइन फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, आर H2+Cl2 = 2HCl, टू रिएक्टेंट बट सिंगल प्रोडक्ट ओनली HCl, दैट इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें रिडॉक्स में आप ये चेक कर सकते हैं कि जैसे आपने भी देखा H2+Cl2 = 2HCl, हाइड्रोजन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, HCl कंबाइन स्टेट हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। तीसरे से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको ऑब्टेन हुआ। कॉम्बिनेशन में जैसे हमने आपको बताया कि टू रिएक्टेंट रिएक्ट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, जब टू रिएक्टेंट आर मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और सिंबल यूनिक ओनली वन प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आप ये जो रिएक्शन हमने अभी आपको दिखाया H2+Cl2 = 2HCl, इसमें अगर हम कॉम्बिनेशन को चेक करें तो हाइड्रोजन 0, 2+1, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जानते हैं कि चार्ज निक्री होती है। क्लोरीन 0, 2, -1, दैट इज रिडक्शन रिएक्शंस। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी रिडॉक्स रिएक्शन हम शो कर सकते हैं। तो लेट अस सी एनसीईआरटी टॉपिक्स। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी डिनोटेड इन द मैनर A+B = C, आइदर ए एंड बी आर बोथ एंड ए एंड बी मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म फॉर सच ए रिएक्शन टू बी ए रिडॉक्स रिएक्शन। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस विच मेक यूज ऑफ elemental oxygen as well as other reaction involving element other than dioxygen are reduction. Some important example of the category are combination with redox. Student, जैसे हमने दिखाया कि C+O2 = CO2, सी कार्बन फ्री फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट इन CO2 कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर +4 एंड ऑक्सीजन -2। तो यू सी द कार्बन 0, 2, +4 दैट इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन 0, 2, -2 दैट इज रिडक्शन। एंड सो सच एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, दैट इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विथ रिडॉक्स। नेक्स्ट CH4+2O2 CO2+2H2। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा चेक कीजिए। जैसे हमने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है और यहाँ आपके पास टू प्रोडक्ट बन रहे हैं CH4+2O2 = CO2+2H2। दिस रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन आर नॉट। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन पे आप थोड़ा हमारे चैनल पे कमेंट भेजेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है या नहीं है,
और कम्बिनेशन है तो किस ड्यू से, इसमें कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी, कौन सा रूल से कम्बिनेशन शो किया गया है, और कम्बिनेशन नहीं है तो ये भी आप हमको डिनोट करेंगे। सो वी सी नेक्स्ट डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट डीकम्पोजिशन मीन्स होता है डीकम्पोज, ब्रेक होना। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर वो सिंपल कंपाउंड ब्रेक होता है तो इसी को हम लोग डीकम्पोज कहते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग जैसे अगर बायोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप यह जान सुने होंगे डीकम्पोजर। डीकम्पोजर जैसे आप बैक्टीरिया है, ईस्ट है, इसमें डीकम्पोजर का नाम आप सुने होंगे। तो इसमें आप सुनते होंगे कि ईस्ट जो है यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डीकम्पोज करता है। तो सेम उसी तरह से केमिकल रिएक्शन में भी जो है केमिकल कंपाउंड वह भी डीकम्पोज होते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डीकम्पोज, ब्रेक डाउन सिंपलर फॉर्म, डीकम्पोज इन सिंपलर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर सच एज हीट फैक्टर, लाइट फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर, थर्मल फैक्टर्स एंड अदर सो ऑन। तो स्टूडेंट्स जो है केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो डीकम्पोज होते हैं, और डीकम्पोज होने के लिए यहाँ इनको जो है बैक्टीरिया फंगस की आवश्यकता नहीं होगी। डीकम्पोज होने के लिए उनको कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे लाइट, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स सी फर्स्टली एनसीईआरटी टॉपिक्स, एनसीईआरटी वर्ड्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स डीकम्पोजिशन जो है ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, और डीकम्पोजिशन में क्या देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ब्रेक होकर वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगी। प्रीसिसली ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड इनटू टू आर मोर कंपोनेंट्स। इसमें से यहाँ क्लियर हुआ कि डीकम्पोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड इनटू टू आर मोर कंपाउंड्स, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये ब्रेक होता है टू आर मोर कंपाउंड्स में, एट लीस्ट वन ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट स्टेट एग्जाम्पल ऑफ द क्लास ऑफ रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स दैट इज वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशंस। सोडियम हाइड्राइड ब्रेक डाउन इनटू सोडियम एंड हाइड्रोजन, दैट इज ए डीकम्पोजिशंस एंड थर्मल डीकम्पोजिशंस। सेन पोटेशियम क्लोराइड्स ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टेम्परेचर ब्रेक डाउन पोटेशियम क्लोराइड्स ऑक्सीजन्स। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट सेम टाइम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑलरेडी यू सी इन योर एनसीईआरटी बुक्स बी इन एक्सरसाइज और विद द हेल्प ऑफ हेल्प बुक्स प्रैक्टिस विच टाइप ऑफ रिएक्शन द गिवन रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन आर कॉम्बिनेशन आर अदर टाइप्स। सो प्रैक्टिस इट, इट मे केयरफुल बी नोटेड दैट देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेथेन अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड दैट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोरेट इन दिस रिएक्शन, दिस मे बी आल्सो नोटेड हियर। That all decomposition reaction are not redox reaction. इसमें इससे ये क्लियर हो सकता है कि all decomposition redox नहीं हो सकते हैं। For example, decomposition of calcium carbonate is not a redox reaction.
कैल्शियम कार्बन, इसमें से कैल्शियम कार्बन किसका जो डीकम्पोजिशन है रिडॉक्स नहीं है, अब इसका रीजन क्या है, चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन ही ट्रीटमेंट ब्रेक डाउन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें से यहाँ थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, कैल्शियम पर प्लस टू चार्ज है, ओके, कार्बन प्लस फोर है, ऑक्सीजन माइनस टू है। सेम ही कंडीशन अगर हम यहाँ चेक करें तो कैल्शियम पे प्लस टू हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस टू हो जाएगा, ठीक, कार्बन पे प्लस फोर होगा, ऑक्सीजन माइनस टू होगा। अगर हम चेंजेस की बात करें, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पे चेंज हो रहा है कि नहीं, तो कैल्शियम प्लस टू से कैल्शियम प्लस टू है, कार्बन प्लस फोर से कार्बन जो है आपका यह प्लस फोर है, ऑक्सीजन माइनस टू से माइनस टू है। तो स्टूडेंट्स ये रिडॉक्स नहीं है, डीकम्पोजिशन है लेकिन रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हम उसको कहते हैं कि जब किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो तो नेक्स्ट का जो है रिडक्शन होना चाहिए, और इस रिएक्शन में हमें न तो ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है और न तो रिडक्शन दिखाई दे रहा है। सो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और आप जो है उसको बहुत ही मैंने इजीली ले लेते हैं कि यह क्वेश्चन वेरी इजी है, ये डीकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर फार हो रहा है, दैट इज ये डीकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स पर आप टिक कर देते हैं, जो कि यह जो है मैंने वह आप मिस्टेक कर जाते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको दिया जा रहा है तो आप ये जानिए कि पेपर बनाने वाला या क्वेश्चन देने वाला अपने माइंड में कुछ सेट करके ही ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा कि इजीली सब लोग उसको सॉल्व कर लें। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर ज़रूर चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद तब यह कन्फर्म हो जाइए कि द गिवन रिएक्शन दैट इज ओनली डीकम्पोजिशन आर डीकम्पोजिशन विथ रिडॉक्स। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से कुछ रिएक्शंस आप जो है सर्च करेंगे और हमारे जो है इस वीडियो पर, इस लेक्चर पे, हमारे चैनल पर आप उस मैंने रिएक्शन को जो है आप भेजेंगे और हमें देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है इस तरह से रिएक्शन सर्च करके और हमारे कमेंट पे वो रिएक्शन भेजते हैं। सो थैंक्स।